नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पांडे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नौ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अरेस्ट हुए थे उनको तत्काल छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वो अरेस्ट नहीं हुए बल्कि पार्लियामेंट्री फोर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। इस वजह से उनको तत्काल रिहा कर दिया जाए। अब इसके पीछे एक गेम है, वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, ओबियसली किसी के जुडिशरी पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं किसी भी देश के, लेकिन कुछ रिश्तेदारी है इनकी जो मैं समझाता हूँ। देखो, पाकिस्तान में वेरियस पार्टी हैं, लेकिन मुख्य पार्टी दो ही हैं, एक जो शहबाज शरीफ की और दूसरी जो इमरान खान की। इमरान खान जिस पार्टी के नेता थे उस पार्टी का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसी पार्टी के वर्कर रह चुके हैं जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, आरिफ अलवी, और जो CJP हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी मदर इन लॉ जो हैं वो भी वर्कर हैं PTI की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी CJP की जो मदर इन लॉ हैं वो भी PTI में हैं, और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी वर्कर रह चुके हैं PTI के। आज ही ऑर्डर ये आ गया कि उनको रिहा कर दिया जाए। तो इस वजह से अभी इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंगल है। पाकिस्तान में कितना भी केस हो जाए इमरान खान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर चांस है कि उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता। इसी वजह से एक वर्जन ये भी है मिलिट्री का कि उसने क्यों कांच तोड़ दिया कोर्ट का और अंदर घुस के जाकर उनको धर लिया। लिटरली कोई ऑर्डर नहीं था, विदाउट कोई रूल और नियम के वो लोग सीधा चले गए बदमाशों की तरह, और वहाँ से उनको घसीटते हुए बाहर लेकर आए और लेकर चले गए। हालांकि अब और बहुत सारी रिकॉर्डिंग आ रही हैं बाहर। मान लो किसी व्यक्ति को कोई अगर ATS वगैरह पकड़ता है तो उसके पास फ़ोन नहीं होता है, लेकिन एक आइडियो वायरल हो रही है जिसमें इमरान खान अपने वर्कर से बात कर रहे हैं और वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है वो क्या फैसला देने वाला है या किस तरह से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर मैंने मैसेज पहुंचाया है, इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन हाँ। वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर दोनों मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ बैठी हूँ। शी वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो आजम साथी का कहना जी सर, सर आप बेफिक्र हो जाए। तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है, ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि अभी सलमान सफदर साहब को मैं इनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना, हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है, वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उस उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके 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 सर, ओके सर, ओके, अपना ख्याल रखें। इसके अलावा एक आइडिया और वायरल हो रहा है जो मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट भी किया है। इसमें क्या है कि जो जनरल फैजल नसीर हैं ISI के, उन्होंने कहा है SP से जो लाहौर के हैं कि दो चार प्रोटेस्टर को मार दो और उसके बाद में ये लोग शांत हो जाएंगे। अब इन सब बातों से एक बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान कितने बुरे वक्त से गुजर रहा है और ये डेंजरस हो सकता है इंडिया के लिए। वैसे इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा रखी है बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे आर्मी भाग रही है और जहाँ नहीं भाग रही है वहाँ मार रही है लोगों को या लोग उसको मार रहे हैं। पाकिस्तान में जो एयर फोर्स का एयरबेस था उसकी दीवारें गिरा दी गई हैं, जिसमें आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, प्रॉपर सारी दीवारें गिरा दी गई हैं। यहाँ पे लाठियों से तोड़ रहे हैं इसके दरवाजे को, लोगों ने अटैक कर दिया है आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, जो वहाँ पे टैंक थे उसे जला दिया है। और ये भी बहुत अजीब बात है कि पाकिस्तान में टैंक रोड पे घूम रहे हैं सिविलियंस के खिलाफ। इसका मतलब क्या है, सिविल वॉर इससे ज़्यादा क्या होता होगा उसमें,
कुछ ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को उलट के रख देंगे, आसमान नीचे हो जाएगा और जमीन ऊपर हो जाएगी। सिविल वॉर लगभग में ऐसे ही होता है, आर्मी के ऊपर अटैक सिविलियंस कर दें और सिविलियंस के ऊपर अटैक आर्मी कर दे। वैसे तो मार्शल लॉ वहाँ पर लग चुका है, बस नाम मात्र का राष्ट्रपति ने साइन नहीं कराया घोषणा पत्र पे, क्योंकि ऐसा करेगा भी नहीं राष्ट्रपति वहाँ का, क्योंकि वो PTI का वर्कर रह चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो बहुत ईजी नहीं है कि वो आर्मी के कोई जर्नल जाए और कहें जी आप इस पे साइन कर दो, हम मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। वो इमरजेंसी के लिए साइन नहीं करने वाला है। और इस बात पे इंडिया ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन USA और UK ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पेसिफिक मुद्दे पर नहीं बोलते, लेकिन डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को, और ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को टारगेट भी किया है UK और USA ने, दोनों ने। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लिटरली अपने सारे रूल और रेगुलेशन तोड़ रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी के बारे में हमेशा ये बात बोली जाती है कि वेल डिसिप्लिनड आर्मी इन द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ऐसा कभी नहीं बोल सकते। ये वर्ड ही अपने आप में गलत साबित हो जाएगा अगर उसके लिए यूज किया जाए, क्योंकि वो लिटरली विमेंस को ड्रैगेट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं। कोई भी किसी भी देश की आर्मी लिटरली इस तरह से नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के लिए सब जायज है, वो ये सब कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और पाकिस्तान के लोग भी एक दो वीडियो में तो लिटिली एम्बुलेंस पे भी अटैक कर चुके हैं, तो इस वजह से उनका भी मेंटालिटी अलग ही लेवल का है। वो जो विदेशों की कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उस कंपनीज के शोरूम्स में अटैक कर रहे हैं। ऑडी का एक शोरूम था, वहाँ पे जाके अटैक कर दिया और वहाँ से जो लग्जरी कार्स थी उसको चुरा ली। अब ये ऑडी तो जर्मन ओरिजिन की कंपनी है, तो जर्मनी की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पाकिस्तान में, उसको आज ये देखना पड़ा। कल को कोई देश नहीं चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, और वास्तव में सुरक्षित नहीं है उनके एसेट अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी बीच जो ये एशिया कप और वर्ल्ड कप का था, अब तो ये मामला क्लियर ही हो गया है कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करने के बिल्कुल भी सिचुएशन में नहीं है। इंडिया का मुद्दा अकेला नहीं रह गया, कोई भी वर्ल्ड की टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती होगी। और सिर्फ इमरान खान अरेस्ट नहीं हुए हैं, इनके साथ में और भी दो तीन नेता अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि PTI के एक नेता हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, वो भी अरेस्ट किए जा चुके हैं जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है वहाँ से। और ये लोग बाहर ही बैठे थे, बालकोनी में बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से हम कोई एक पिटीशन डालेंगे जिसके जरिए हमें ये अलाउ हो जाएगा कि हम इमरान खान से बातचीत कर लें। उसी टाइम पे ATS पहुंचता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और वो उनको उठा के ले जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे PTI के जो नेता हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो मेन जुडिशरी है पाकिस्तान की वो पक्ष में है PTI के। इन द फ्यूचर ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से PTI का फेवर होता है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से। वैसे भी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि उनको इलीगली कैप्चर किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए, और किसी भी प्रकार से ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी फोर्स आए और इंटर कर जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर विदाउट जज के परमिशन के। देखो ये बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी ने वहाँ पे तो गलत किया है क्लियरली, कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है किसी भी देश के जुडिशरी सिस्टम का, तो उसके आगे कोई भी नहीं चल सकता है। इस वजह से जब तक राष्ट्रपति और पार्लियामेंट उसके बारे में कोई रूल और रेगुलेशन ना बना दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोसर्वा है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने लिटरली कांच तोड़े हैं जो खिड़कियों पे लगे होते हैं, और वहाँ से एंट्री ली है, और 5-6 हज़ार मिलिट्री पर्सनल की तादाद में वहाँ पे गए थे कि अगर छोटी मोटी झड़प होती है पब्लिक से तो हम कंट्रोल भी कर लेंगे। इसी वजह से अटैक भी हुआ लेकिन कुछ कर नहीं पाई पब्लिक, और उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। अब टॉर्चर नहीं किया जाए इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट जारी हुआ है। लिटरली इमरान खान किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। डोनाल्ड ब्लेम एक US के एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने लिखा है कि सिर्फ उनकी निगरानी में हमसे पूछताछ की जाए क्योंकि और हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। जबकि इमरान खान पहले गालियाँ USA को ही देते थे कि उसी ने रिजीम चेंज करवाई है, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ब्लेम US के एम्बेसडर टू पाकिस्तान हैं उन्हीं के ऊपर हमें भरोसा है कि कोई भी काम उनके सामने गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। और ओबेसिली ये बात सही है क्योंकि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि US का कोई भी एम्बेसडर पाकिस्तान की रिजीम से नहीं डरता है, कुछ भी पाकिस्तानी उनके सामने गलत नहीं करेंगे क्योंकि USA बीच में आ जाएगा। इंडिया के लिए इस केस में पाकिस्तान ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद हो जाए और लिटरली 10-5 हज़ार लोगों की तादाद में जान चली जाए, तो उस केस में लोग इंडिया में शरणार्थी के रूप में एंट्री करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया के
जितने पड़ोसी हैं वो हमेशा एंट्री लेना चाहते हैं इंडिया में, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो। इंडिया भुगत रहा है इस चीज़ को बहुत दिनों से, तो इस वजह से इन द फ्यूचर अगर पाकिस्तान में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई तो वो इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चार्टर प्लेन होते हैं वो 150 से ज़्यादा उसी दिन उड़े हैं जिस दिन इमरान खान अरेस्ट हुए हैं, यानी जो रईस लोग हैं पाकिस्तान के वो सब लंदन, यूके, यूएसए सब कहीं निकल लिए और रह गए यहाँ पे नॉर्मल जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो पैसे वाले जितने पाकिस्तानी थे वो बाहर हैं, उनके घर भी बाहर हैं, बस यहाँ पे वो लूटने खाने के लिए आते थे, अदरवाइज वो सारे बाहर गए। चार्टर प्लेन 150 से ज़्यादा एक ही दिन में उड़े हैं उस दिन, तो इस वजह से क्लियर होता है कि पाकिस्तान के लोग किस तरह से, जो पैसे वाले हैं वो ये सोच के रखते हैं कि उनका देश किस स्थिति में जा सकता है, उसके लिए हमेशा से वो रेडी रहते हैं। तो ये रियलिटी है वहाँ की।